हेलो एवरीवन, एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 37 देखेंगे अब हम। तो हुमायूं से स्टार्ट करेंगे। बाबर का हमने इससे पहले देखा था लास्ट लेक्चर में, तो स्टार्ट करते हैं हुमायूं से जो कि उसका बेटा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि बाबर के बाद जो है, एक मिनट, बाबर के बाद कौन आता है? उसका बेटा हुमायूं, जो कि उसकी गद्दी को संभालता है। एंड आपको याद रखने कि बाबर ने जो है वो एक डील कर रखी थी विद द अफगान्स कि वो जो ईस्टर्न वाला मतलब रीजन है, जो बिहार वाली साइड है, वो अफगान्स के पास ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि हुमायूं के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि बाबर छोड़ के गया था, क्योंकि इसको सिर्फ 5 साल ही हुए थे इसने राज किया था इंडिया पर, क्योंकि उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में, 1526 से और 1523 में इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं जब आते हैं तो इसके पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डील करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हुमायूं के सामने आती हैं। तो अफगान्स हैड नॉट बीन सबड्यूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो था नॉट येट बीन कंसोलिडेटेड। हुमायूं का जो एम्पायर था वो एक तरह से बिखरा ही हुआ था, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जो एम्पायर था वो बाबर बना के नहीं गया था। तो एम्पायर को कंसोलिडेट करने की भी एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो हुमायूं की थी, और तिमुरिड लेगेसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग द एम्पायर अमंग ऑल द ब्रदर्स जो था वो भी हुमायूं को ही संभालना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया में भी जो है वो उथल पुथल चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये भी जो है हुमायूं को संभालना था। हुमायूं के जो और ब्रदर्स थे बाबर के, ये नहीं कि हुमायूं ही लड़का था, बाबर के और भी जो लड़के थे जैसे कमरान, हिंदल एंड अस्कारी, तो इनके बीच में भी टसल होती है कि मतलब वो बिठा के तो हुमायूं को जाता है गद्दी पे, दिल्ली वैली पे। ठीक है, लेकिन ये सारे भाइयों में भी जो है वो मतलब कंक्वेस्ट ऑफ द पावर में के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, तो बहादुर शाह ऑफ गुजरात इसमें जो है वो अब आगे हम देखेंगे कि कैसे उसका रोल रहता है हुमायूं के टाइम पर, क्योंकि काबुल एंड कंधार में भी जो है वो भी बाबर का दबदबा था, तो उसको भी ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, तो अंडर हुमायूं यंगर ब्रदर कमरान जो था वो काबुल और कंधार जो था उसको मिल गया। तो आप याद रखेंगे कि कमरान के पास जो था वो चला गया ये काबुल और कंधार वाला एरिया। ठीक है, अब कमरान जो था मतलब जो हुमायूं का भाई था, यंगर ब्रदर था, वो इससे खुश नहीं था, नॉट हैप्पी। क्यों नहीं हैप्पी था? क्योंकि ये एक पॉवर्टी ड्रिवन एरिया था। ठीक है, पॉवर्टी ड्रिवन एरिया था। उसके बाद हुमायूं को लगता है कि कमरान जो है उसका एरिया लेना चाहता है, बट वो ऐसा नहीं करता। कमरान ऐसा नहीं था कि दिल्ली वाला एरिया ले हुमायूं से, लेकिन हुमायूं को ऐसा लगता रहा कि वो उसका एरिया लेगा। और कमरान वैसे तो जो कमरान था, मैंने आपको बताया काबुल और कंधार वाले रीजन में रहता है, तो आपको याद होना चाहिए ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला रीजन था। तो ये जो कमरान होता है ना, ये ऑलवेज इसी एरिया में स्टिक्ट रहता है, काबुल और कंधार वाले एरिया में। ठीक है, वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रीजन में ही रहता है, एंड लाहौर को भी और मुल्तान को भी कैप्चर कर लेता है। देखो, काबुल और कंधार तो पहले ही था उसके पास, तो अब वो लाहौर प्लस मुल्तान, इसको भी जो है वो कैप्चर कर लेता है। अभी इस स्लाइड में हमने क्या देखा, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि ये पढ़ा कि बाबर जो था वो 5 साल ही राज करके गया, हुमायूं को दिल्ली वाली गद्दी पे बिठा गया था वो, मतलब एम्पायर वाली गद्दी पे, लेकिन कंसोलिडेट करना ही जो था वो चैलेंज था हुमायूं के लिए। ठीक है, बाबर डील करके गया था अफगान्स के साथ कि वो बिहार वाला रीजन को अपने पास रखे, हुमायूं के और भी ब्रदर्स थे जिसमें टसल चलती रही थी, और कमरान जो उसका यंगर ब्रदर था वो काबुल और कंधार वाले रीजन में था, हालांकि वो हैप्पी नहीं था ये वाला रीजन लेके, क्योंकि ये पॉवर्टी ड्रिवन था। और लेकिन हुमायूं को ऐसा लगता रहता है कि वो उसके एरिया में एक एरिया को कैप्चर करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले रीजन में ही रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि वो डरता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कोई और कैप्चर ना कर ले, इसलिए वो मतलब उसी वाले एरिया में स्टिक रहता है। अब इशू कहाँ पे आता है,
अब हिमायूं कहाँ जाए, क्योंकि जो अफगान्स थे वो भी दिल्ली को हड़पना चाहते थे और हुमायूं जो था वो इतना स्ट्रोंग नहीं था उस टाइम पे। तो बहादुर शाह ऑफ गुजरात की अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्या रोल रहता है उसका, बहादुर शाह का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो ये 1526 वाले की ही टाइम पे, मतलब ये बाबर भी था उस टाइम पे, तो ये किंग रहता है गुजरात वाली साइड में, ठीक है। और ईस्ट में, अच्छा ये तो हो गया वेस्ट वाली साइड में राजा, ठीक है। ईस्ट वाली साइड में मैंने बताया अफगान्स थे। अब हुमायूं जो है पहले बिहार वाली साइड में जो अफगान से उनको अटेंड करना चाहता है कि पहले उनसे निपट लूँ फिर आऊँगा इसकी तरफ। तो हुमायूं जो है वो यूपी का दोराहा जगह को जो है वो कैप्चर कर लेता है, वोन कर लेता है। तो हुमायूं वोन वो मतलब जगह जो थी जहाँ पे इनकी लड़ाई होती है यूपी में, उसको कैप्चर कर लेता है 1532 में, ठीक है। ये बाबर के बाद की बात है क्योंकि 1530 में तो बाबर मर जाता है ना, और बिसीज था चुनार फोर्ट, और वहाँ पे मतलब यूपी में ही चुनार फोर्ट को अपने अंडर कर लेता है। और ये जो चुनार फोर्ट होता है ना, ये शेष शाह सूरी द्वारा रिसेंटली ही मतलब उसी टाइम ही कैप्चर किया होता है, लेकिन हुमायूं उसको कैप्चर कर लेता है अपने अंडर, ठीक है। तो अभी हम ना शेर शाह सूरी की जब बात आई है, चुनार फोर्ट अभी उसने हासिल किया था लेकिन हुमायूं उसको ले लेता है। तो अभी हम थोड़ा सा शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हुमायूं वाले टाइम में ही शेर शाह सूरी आता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका जो रियल नेम था वो था फरीद, रियल नेम जो था इसका था फरीद। ये एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था क्योंकि रिफॉर्म्स बहुत अच्छे लाता था, ये रिफॉर्म्स जो थे इसके वो गुड थे। पावरफुल अफगान नोबल था, इसके बारे में ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और इसने परसुएट कर दिया था हुमायूं को, और प्रॉमिस टू बी अ लॉयल था एक तो ये, और परसुएट कर दिया था हुमायूं को। सेंट वन ऑफ हिज सन टू द हुमायूं एज द होस्टेज, मतलब बंदर बना के अपने एक लड़के को, मतलब एक इसके सन को हुमायूं के पास भेजा था एज अ होस्टेज, बंधक बना के, बंदी बना के भेजा था, ठीक है। हुमायूं एक्सेप्टेड हिज हुमायूं जो था उसने ये वाला प्रपोजल था कि जो अपने बेटे को उसको भेजा था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, किसने, हुमायूं ने, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ ही वॉज वरीड अबाउट द बहादुर शाह, क्योंकि अफगान्स वाले रीजन में जो था वो तो इसका सॉर्ट आउट हो गया, अब ये जो हुमायूं था उसको बहादुर शाह जो गुजरात का था उसकी चिंता थी, तो अब इधर आ जाता है वेस्ट में लड़ाई करने के लिए। तो अब उसके बारे में देखते हैं। तो जो हुमायूं था वो मूव्ड फ्रॉम आगरा टू यूपी से ग्वालियर, मध्य प्रदेश वाली साइड में, ठीक है। और फिर हुमायूं बिजी हो जाता है बिल्डिंग बनाने में जिसका नाम है दीन पना, ठीक है, आपको याद होगा वहीं पे उसकी डेथ होती है फिर बाद में जाके, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जब ये ग्वालियर वगैरह आ जाता है और इसका ध्यान हट जाता है वहाँ से, तो हुमायूं जो है वो दीन पना बनाने में दिल्ली में बिजी हो जाता है, ठीक है। उसको सेलिब्रेट करने में जो है वो बिज़ी हो जाता है। इस दौरान मतलब जब ये दीन पना ये लाइब्रेरी सी बना रहा होता है, तो इस टाइम पे जो फरीद होता है शेर शाह सूरी वो वर्किंग जो है अपनी स्ट्रोंग कर लेता है, वर्क हार्ड करता है और इतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लेता है कि वो हुमायूं से लड़ सके। जहाँ उसने चुनार फोर्ट को जीता था ना हुमायूं ने उससे, फरीद से, अब फरीद इतनी अच्छी, शेर शाह सूरी इतनी अच्छी कोशिश कर रहा है कि अब वो लड़ाई करने के काबिल हो गया है हुमायूं से, ठीक है। अब वो तो इसमें लगा रहा, दीन पना बनाने में लगा रहा, और शेर शाह सूरी अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहा। आपको ये याद रखना है कि दीन पना एक लाइब्रेरी थी इसकी, ठीक है, और इसी की लाइब्रेरी की स्टेयर से ये चलते चलते फिसल गया था और इसकी डेथ हो गई थी। किसकी, हुमायूं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बहादुर शाह गुजरात की बात हमने स्टार्ट नहीं की है, हम बीच बीच में से देख रहे हैं कि उसका क्या क्या रोल है। तो बहादुर शाह गुजरात जो था
वो किंग इन किंग था 1526, जैसे कि बात की बाबर वाले टाइम में भी था, तो उसके लिए भी ये एक ग्रेट चैलेंज था क्योंकि ये स्ट्रोंग था। ठीक है, जो बहादुर शाह था वो स्ट्रोंग था, और हुमायूं के लिए भी ये एक ग्रेट चैलेंज था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो राइवल्स ऑफ द हुमायूं ज्वाइंट हिम, तो जो इसके जो हुमायूं के खिलाफ थे ना वो भी जाके उसके साथ मिल जाते हैं। किसके साथ? बहादुर शाह के साथ। एंड गॉट चित्तौड़ फोर्ट अगेन, और साथ ही साथ में टाटर खान एलाइड जो कि इब्राहिम लोदी का कज़न था, ये हुमायूं से एम्पायर दोबारा लेना चाहता है। तो ये भी आप याद करेंगे कि टाटर खान जो था ये इब्राहिम लोदी का जो कज़न था, ये भी हुमायूं से अपना जो राज्य था एम्पायर था वो वापस लेना चाहता था, क्योंकि जो बाबर ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ऑल्सो ही इन्वेडेड द आगरा एंड लॉस्ट एंड किल्ड, लेकिन टाटर खान को मार दिया जाता है क्योंकि इसने आगरा को पहले तो कैप्चर किया लेकिन फिर खो देता है मतलब वॉर में, और बाद में इसको मार दिया जाता है। ठीक है, हुमायूं जो है वो गुजरात एंड मालवा वाला रीजन को वॉन कर लेता है लेकिन साथ ही साथ लॉस्ट भी कर देता है। तो ये भी याद रखेंगे, हुमायूं के भी साथ के साथ इसको मिलती भी हैं चीज़ें लेकिन फिर भी ये गुजरात वाला रीजन एंड मालवा वाला रीजन, तो ये इसको जीतता भी है, वॉन भी करता है, साथ ही साथ में लॉस्ट भी कर देता है। ठीक है, और प्लेस्ड अस्कारी, मैंने आपको बताया था इसके चार भाई हैं। ठीक है, करमन, हिंदल, अस्कारी। तो अस्कारी जो इसका भाई था उसको ये गुजरात वाले रीजन पे बिठा देता है। आपको मैंने बताया था कि जो वो इसका भाई था ना करमन, वो जो है काबुल और कंधार वाले साइड में रहता है, तो अस्कर कौन से वाली साइड पे रहता है? गुजरात में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ में रिट्रीटेड टू आगरा, आगरा की तरफ ही ये वापस चल जाता है हुमायूं, और फॉल्स इंप्रेशन में आता है, मीन्स हुमायूं ने अस्कारी को गुजरात में तो बिठा दिया। ठीक है, हुमायूं ने जो है अपने भाई को गुजरात में बिठा दिया अस्कारी को, बट अस्कारी आगरा की ओर जाने लगा, मतलब इसने बिठाया तो अस्कारी को गुजरात की तरफ लेकिन वो तो आगरा पे थी उसकी नज़र, तो हुमायूं को लगा कि इट इज़ फॉर द अटैक। ठीक है, लेकिन वो उसकी फ्रेंडशिप करना चाहता था, मतलब फ्रेंड बन के सहायता करना चाहता था अपने भाई हुमायूं की, कौन? अस्कारी। लेकिन उसको लगता है कि ये कैप्चर करने आ रहा है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लो, नहीं तो मैं फटाफट से दोबारा बता देती हूँ आपको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो जैसे कि मैंने बताया इसका, अभी तक हमने करमन एंड अस्कारी की बात की। ठीक है, तो हुमायूं का भाई था वो तो दिल्ली वाले रीजन में था, कौन कौन था दिल्ली वाले रीजन में? हुमायूं, जो कि वो बैठ के गया था, मतलब बाबर उसको छोड़ के गया था। तो करमन जो था उसको काबुल एंड कंधार वाला रीजन मिलता है, और अस्कारी को वो गुजरात में बिठा देते हैं, लेकिन जो हुमायूं अस्कारी जो होता है वो आगरा जाना चाहता है, लेकिन वो इसकी एक फ्रेंडशिप थी, लेकिन हुमायूं सोचता है कि वो मेरे वाला रीजन आगरा वाला रीजन को जो है वो कैप्चर करना चाहता है। ठीक है, मीनवाइल जो गुजरात और मालवा जो होता है वो छीन जाता है किससे? हुमायूं से। मैंने आपको बताया ना कि हुमायूं जो है वो गुजरात प्लस मालवा वॉन भी करता है और साथ ही साथ में लॉस्ट भी कर देता है। तो लॉस्ट क्यों करता है? क्योंकि वो इसी उलझन में रहता है कि उसका भाई जो है उसकी गद्दी को हड़प लेगा। ठीक है, तो ये रीजन की वजह से जो है गुजरात एंड मालवा भी हुमायूं के हाथ से निकल जाता है। और आपको इस यही टाइम पता भी होना चाहिए कि पुर्तगीज भी जो है वो आ चुके थे। अभी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे क्योस क्या होता है बंगाल वाली साइड में, फरीद के साथ जो कन्क्वेस्ट करता है ये हुमायूं, तो वो देखेंगे हम क्योस बंगाल एट बंगाल पे, और साथ ही साथ फरीद एंड हुमायूं में क्या जो है सिमिलैरिटीज़ या फिर दोनों में क्या डिफरेंसेस थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।